दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने कई फ़ोटो को एक फ़ोटो में जोड़कर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी बहुत सारी फ़ोटो को एक फ़ोटो में जोड़कर बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत सारे ट्रिक ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं दोस्तों, ना तो आपको कोई ट्रिक करने की ज़रूरत है, ना ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है। आपके फ़ोन में ही एक ऐसी ट्रिक दी हुई होती है जिसकी मदद से आप कोई सा भी फ़ोन यूज कर रहे हो दोस्तों, चाहे आपका फ़ोन सैमसंग का हो, रियलमी का, ओप्पो का, शाओमी का, वीवो, कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, आप हर फ़ोन में जो है इस ट्रिक को कर पाएंगे और अपने फ़ोटो को एक दूसरे में जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से एंड तक देखना, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से उस फ़ोटो को जोड़कर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अगर आप भी अपने कई फ़ोटो को एक फ़ोटो में जोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही एक गूगल का फोल्डर दिया हुआ होता है दोस्तों, तो आपको सिंपली इस पर ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक गूगल फ़ोटो का फोल्डर दिखाई देगा, गूगल फ़ोटो गैलरी का हर फ़ोन में ये फोल्डर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में चले जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जितने फ़ोटो को जोड़ना चाहते हैं आपस में आपको उतने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने, तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो प्लस वाले आइकन पर टाइप करना है, कॉलेज पर टाइप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगी, अगर आपको ये पसंद है तो ये, अगर ये नहीं पसंद है तो इस शेप में, आपको पसंद है तो इस शेप में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर टाइप करना है तो यहाँ पर आपको एक अलग शेप देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है तो एक अलग शेप देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे डिजाइंस, बहुत सारी अलग अलग कलर की टेम्पलेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी इस तरीके की, जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्रोफेशनल लगेंगी। मतलब आप खुद देखते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ से आप कोई भी अगर सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा, जैसे कि ये वाला भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एक ये वाली टेम्पलेट्स है कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है, यहाँ से आप फ़ोटो को सेट भी कर सकते हैं, उसकी लंबी इधर उधर लेफ्ट राइट स्वाइप करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं जितने पर एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आती है आपको सिंपली वो टेम्पलेट ही रखनी है। तो जैसे कि मैं ये टेम्पलेट रखूँगा, एक ये फ़ोटो बड़ी रखूँगा और आसपास की 5 फ़ोटो छोटी, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, आपको फ़ोटोज़ में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं ये फ़ोटो हमारी सेव हो चुकी है। अब इसे दोस्तों आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, किसी को मेल पर भेज सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भेज सकते हैं और आप गूगल फ़ोटो गैलरी ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पर भी आप इसे जो है रील वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से फ़ोटो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ना तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, ना कुछ करना है, इस तरीके से आप इजीली बड़ी ही आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।